हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको कीमा और कैबेज के भाजी की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। कीमा कैबेज बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम कीमा लिया है, जिसको मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल करके रख लिया है। आधा कटोरी मैंने हरी मटर ली है। एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है, जिसको मैंने ग्रेट किया है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। दो हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने चॉप करके रख लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। नमक टेस्ट के अनुसार ले लेंगे। और ये मैंने आधा कैबेज लिया है, जिसको मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। और एक मैंने कांदा लिया है, जिसको मैंने बारीक काट के रख लिया है। ये मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और अब इसमें कांदा डाल देंगे। पहले कांदा अच्छे से लाल कर लेंगे। कांदा थोड़ा फ्राई हो गया है, अभी हरी मटर भी इसमें ऐड कर देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। और भून लेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कांदा लाल होने तक। अच्छा, थोड़ा सा भून गया है हमारा हरी मटर। अभी इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। और भून लेंगे। यह हमारा अदरक लहसुन थोड़ा पक गया है। अभी हम इसमें जो कैबेज हमने काट के रखा है वो ऐड कर देंगे। और अभी कीमा डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कैबेज भी थोड़ा फ्राई हो गया है। अभी जो हमारा मसाला है वो इसमें डाल देंगे। स्लो फ्लेम में 2-3 मिनट बन करके पकाएंगे। जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता इसको बनने के लिए। फिर कैबेज तो 2-3 मिनट में पक जाता है। ये देखिए हमारी भाजी बन गई है, कैबेज की और कीमा की। एकदम टेस्टी भाजी बन गई है और टाइम भी नहीं लगा है पकने के लिए। और इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। और अब इसको हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऊपर से डाल देंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा कीमा कैबेज बहुत ही टेस्टी बन गया है। देखने में कितना कलरफुल लग रहा है और उतना टेस्टी है। इसको रोटी के साथ, राइस के साथ में गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत इजी है बनाने के लिए और बहुत टेस्टी भी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कीमा कैबेज की भाजी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।